राधे राधे। आज हम बात करते हैं एनोरेक्सिया की, जिसको भूख का कम हो जाना या बिल्कुल भूख का मर जाना कहते हैं, और जानते हैं ये मर्ज कैसे होता है और इसका इलेक्ट्रोहोम्योपैथी द्वारा कैसे सफल उपचार किया जा सकता है। यह मर्ज बदहजमी, बातज निर्बलता, बहुत ज़्यादा दारू शराब पीने, अत्यधिक भोजन, चिकनी चीज़ों का अधिक खाना, आमाशय के घाव इत्यादि के कारण हो जाता है, जिससे क्या होता है कि मरीज का भूख बिल्कुल कम हो जाता है और भोजन में बिल्कुल रुचि नहीं रहती है। किसी किसी को तो भोजन से बिल्कुल घृणा हो जाती है और रोगी को ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ खिलाया पिलाया जाता है। ऐसे रोगियों का इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधि द्वारा बहुत ही कम समय में सफल उपचार किया जा सकता है। ऐसे रोगियों को भोजन के आधा घंटा पहले 10 से 15 गोली S1 या प्रकृति के अनुसार देखकर उसको S2 की एक गिलास गर्म पानी में घोलकर पिलानी चाहिए, तथा भोजन के बाद S10 की 10 से 15 गोलियां गर्म पानी में घोलकर उसको देनी चाहिए। अगर किसी मरीज का पेट साफ नहीं रहता है तो उसको रात में सोते समय C10, S2, बर्बन, सिलास, बाई, इन सभी को समान मात्रा में मिलाकर 20 से 30 बूंद एक गिलास गर्म पानी में डालकर पीने चाहिए। और मरीज को भोजन हल्का व जल्दी पचने वाला देना चाहिए। इन चीज़ों का प्रयोग करने से तथा सही से हल्का खाना खिलाने से मरीज को बहुत ही जल्दी आराम मिल जाता है और वो हमेशा के लिए इस रोग से मुक्त हो जाता है। राधे राधे। आज हम बात करते हैं एनोरेक्सिया की, जिसको भूख का कम हो जाना या बिल्कुल भूख का मर जाना कहते हैं, और जानते हैं ये मर्ज कैसे होता है और इसका इलेक्ट्रोहोम्योपैथी द्वारा कैसे सफल उपचार किया जा सकता है। यह मर्ज बदहजमी, बातज निर्बलता, बहुत ज़्यादा दारू शराब पीने, अत्यधिक भोजन, चिकनी चीज़ों का अधिक खाना, आमाशय के घाव इत्यादि के कारण हो जाता है, जिससे क्या होता है कि मरीज का भूख बिल्कुल कम हो जाता है और भोजन में बिल्कुल रुचि नहीं रहती है। किसी किसी को तो भोजन से बिल्कुल घृणा हो जाती है और रोगी को ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ खिलाया पिलाया जाता है। ऐसे रोगियों का इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधि द्वारा बहुत ही कम समय में सफल उपचार किया जा सकता है। ऐसे रोगियों को भोजन के आधा घंटा पहले 10 से 15 गोली S1 या प्रकृति के अनुसार देखकर उसको S2 की एक गिलास गर्म पानी में घोलकर पिलानी चाहिए, तथा भोजन के बाद S10 की 10 से 15 गोलियां गर्म पानी में घोलकर उसको देनी चाहिए। अगर किसी मरीज का पेट साफ नहीं रहता है तो उसको रात में सोते समय C10, S2, बर्बन, सिलास, बाई,